पुरजोर मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फैसला, हमारे फैसले तो जो हमारे हक में थे वो आए नहीं, खिलाफ हमारे फैसला कोई रह नहीं गया, हमारे खिलाफ तो सारे फैसले जो है वो आ चुके हैं। तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की, और अब महफूज हुए भी मेरा ख्याल है को 8 हफ्ते हो गए हैं, उस फैसले को जो है वो फिल फौर जो है वो आना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि केस मुकम्मल हो गया तो समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ताखीर क्यों कर रहा है, महफूज फैसला नहीं सुनाया जा रहा, इलेक्शन कमीशन का क्या मसला है, इत्तेहादी जमातों का मुतालबा है कि फैसला जल्द सुनाया जाए। पीटीआई के लिए बाहर से $750 मिलियन आए, इनके 4 मुलाजमीन के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिनके अकाउंट में डॉलर आए, 350 के करीब लोगों ने इमरान खान को गैर ममनुआ फंडिंग की, इन्हें फंडिंग करने वाले लोगों का ताल्लुक भारत और इसराइल से है, फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इमरान खान मुखालिफिन को हर वक्त गालियां देते हैं, ये शख्स मुखालिफिन को चोर और डाकू कहता है, इसके इर्द गिर्द चोर और डाकू हैं।